वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अगर कोई गंदे मैसेज या वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करे तो इससे कैसे बचना है? अगर कोई आपके प्राइवेट वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी देता है तब क्या करना चाहिए? इन लोगों पर एक्शन कैसे लिया जाता है? इनसे बचने के सबसे सटीक तरीके कौन से हैं? आपके हर सवाल का जवाब देंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल एक शिकायत बेहद आम हो गई है, आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कोई आपसे संपर्क करता है, आपको आपके ही फेक वीडियो और फोटो भेजकर पैसों की डिमांड करता है और ब्लैकमेल करता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं और लड़कियों को भी गंदे वीडियोस भेजकर इसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। अब सवाल यह है, अगर आपके सामने ऐसे हालात आए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इन हालात का सामना कर सकते हैं। जून के आखिर में ही सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कुछ लोग प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें उनके इंस्टाग्राम मैसेज बॉक्स में भेज रहे थे। उन्होंने इस बात की रिपोर्ट की तो इंस्टाग्राम ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अगर कोई व्यक्ति आपकी सहमति के बिना अश्लील फोटो भेजे तो क्या करना चाहिए? आपके पास गलत या अश्लील पोस्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए। रिपोर्ट करने के लिए उस पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट आपके पास रखें। अगर आप अपना नाम रिपोर्ट करते वक्त नहीं बताना चाहते तो नाम हाइड करके भी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली फोटो को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके प्राइवेट मैसेज, फोटो, वीडियो को शेयर करने की धमकी दे रहा है, आपसे पैसों की मांग कर रहा है या आपसे कोई ऐसा काम कराने के लिए बोल रहा है जिसे आप करने में असहज महसूस करते हैं, तो बिल्ट इन रिपोर्टिंग ऑप्शन पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। ये नियम इंस्टाग्राम ही नहीं बाकी प्लेटफॉर्म पर भी काम आते हैं। इसके अलावा सहायता मांगने में किसी से बिल्कुल न डरें। ऐसे 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। साइबर सिविल राइट्स इनिशिएटिव। कोई बिना आपकी सहमति के पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने का प्रयास करता है तो क्या करना चाहिए? इसकी जानकारी इस साइट पर पूरी तरह से मिल जाती है। विदाउट माई कंसेंट ऑनलाइन हैरेसमेंट करने वाले लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लें, इसकी सलाह ये ऑर्गेनाइजेशन देता है। लव इज रिस्पेक्ट। डेट और रिलेशनशिप की वजह से टीनेजर्स के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का सॉल्यूशन यही मिलता है। इसके अलावा लोकल पुलिस को कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी वकील या सामाजिक कार्यकर्ता से इस बारे में बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमेशा अनजान लोगों के साथ बातचीत और अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल से ही ज्यादातर ब्लैकमेलिंग का ये खेल शुरू होता है, तो जितना हो सके अनजान लोगों के संपर्क में आने से बचें। अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।